हेलो एवरीवन, मैं सईद रहमान, आप देख रहे हैं सर एडवाइस। दोस्तों, आज ये बोर्ड में रिपेयर करने वाला हूँ। जितने भी वीडियो मैंने डाला वो कहीं भी कोई भी रिपेयर मैंने खुद नहीं किया, मैंने जस्ट बताया कि रिपेयर कैसे करते हैं। तो आज इस बोर्ड को हम रिपेयर करके दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं कि बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है। मैं जब पावर ऑन करता हूँ तो सीपीयू फैन ऐसे घूम के बंद हो जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी कोई कुछ वीडियो बनाया, तो इस बोर्ड भी मेरे पास आया तो इस मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं, रिपेयर करके दिखाऊं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बोर्ड को ऑन करके दिखाती हूं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। जस्ट फैन टर्न करके बंद हो जाता है। फिर से दिखाती हूं आप, फिर से देखिए, ये मैंने पावर ऑन किया, जस्ट टर्न करके बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, मैं जब इसका रैम निकाल दूंगा तब क्या होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रैम शॉर्ट होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैंने रैम निकाल दिया। रैम निकाल देने के बाद मैं पावर ऑन करता हूँ, भाई सेम प्रॉब्लम है। तो चलिए, ये जो चार पिन वाला कनेक्टर है, आप देख सकते हैं ये जो चार पिन वाला कनेक्टर लगा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। इसको निकाल दिया, अब पावर ऑन करता हूँ। अरे फैन तो बराबर घूम रहा है। तो भाई, आगे की प्रॉब्लम की तरह यही बोर्ड में वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हम वीआरएम सेक्शन को चेक करेंगे। वीआरएम सेक्शन मतलब पावर सप्लाई सर्किट। एक कमेंट आया था इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि वीआरएम सेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि वीआरएम सेक्शन क्या है। तो दोस्तों, वीआरएम सेक्शन प्रोसेसर सप्लाई सर्किट है। तो चलिए हम वीआरएम सेक्शन को चेक करते हैं, क्योंकि ये जो चरपिन वाला कनेक्टर है, चरपिन वाला कनेक्टर वीआरएम सेक्शन में सप्लाई देता है। तो इसको निकाल देने के बाद जब फैन घूम रहा है तो मतलब वीआरएम सेक्शन में कहीं पर शॉर्ट है। तो शॉर्ट को पहले हम निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पावर ऑफ कर लेता हूँ और ऑफ करने के बाद सब कुछ निकाल देता हूँ। अब मैं बोर्ड को चेक करूंगा। ये भाई मल्टीमीटर लिया, तो मैं कंटिन्यूटी रेंज में डाला। चलिए, तो पहले तो हम ये जो चार पिन वाला सॉकेट है इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट है कि नहीं है। शॉर्ट नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मॉस्फेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक दो तीन मेन मॉस्फेट और तीन सपोर्टिंग मॉस्फेट लगा हुआ है। तो पहले मेन मॉस्फेट को चेक करेंगे। यह है ड्रेन, यह है सोर्स। अब शायद सुन सकते हैं बीप साउंड आ रहा है ड्रेन और सोर्स में। और मॉस्फेट का सभी लेग में बीप साउंड आ रहा है, मतलब हो सकता है कि इसमें मॉस्फेट खराब है। हम निकाल के चेक करेंगे। तो दूसरा चेक कर लेता हूँ, वैसे ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। इसका जो ड्रेन है, ड्रेन और सोर्स में शॉर्ट आ रहा है। तो इसका सपोर्टिंग मॉस्फेट चेक करता हूँ, ये ओके है। ये भी ओके है। इसका भी ड्रेन और सोर्स में शॉर्ट दिखा रहा है। सपोर्टिंग मॉस्फेट ओके है, मतलब कि तीन जो मेन मॉस्फेट है, एक दो तीन, तीनों मेन मॉस्फेट में शॉर्ट दिख रहा है। दो मेन मॉस्फेट में ड्रेन और सोर्स के बीच शॉर्ट दिख रहा है। और ये जो मॉस्फेट है, इस मॉस्फेट का सभी लेग आपस में शॉर्ट है। साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सुन सकते शायद बीप साउंड आ रहा है। यहाँ पे भी बीप साउंड आ रहा है,
यहाँ पे भी बीप सोन आ रहा है। तो चलिए पहले हम इस मॉस्फेट को निकालेंगे, निकालने के बाद चेक करेंगे, अगर ये शॉर्ट नहीं हुआ तो हम दूसरे मॉस्फेट को निकालेंगे। तो भाई मैंने तो मॉस्फेट निकाल लिया, अभी मॉस्फेट को चेक करेंगे हम। चलिए पहले बोर्ड को चेक कर लेता हूँ। मॉस्फेट था यहाँ, यहाँ पे सभी ड्रेन सोर्स और गेट आपस में बीप हो रहा था। अब देख सकते हैं इसका शॉर्ट हट गया, इससे अच्छे से दिखाती हूँ। इसका जो शॉर्ट था वो हट गया। कहीं पे भी बीप नहीं आ रहा है। तो अदर जो मेन मॉस्फेट था उस मॉस्फेट का ड्रेन और सोर्स में शॉर्ट दिख रहा था, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है। तो मतलब बोर्ड में अब शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट हट गया। तो जो मॉस्फेट मैंने निकाला उस मॉस्फेट को हम चेक करके दिखाते हैं इस मॉस्फेट में शॉर्ट था या नहीं। इसका ड्रेन है, इसका सोर्स है, आप सुन सकते हैं बीप साउंड आ रहा है। ये मॉस्फेट पूरा शॉर्ट है, कैसे शॉर्ट हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मॉस्फेट पूरा पूरी शॉर्ट है। इसका ड्रेन सोर्स, ड्रेन गेट और गेट सोर्स आपस में बीप दे रहे हैं, मतलब कि ये मॉस्फेट पूरा शॉर्ट है। इसको फेंक दीजिए और बोर्ड को दोबारा चेक कीजिए जे इसको जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मॉस्फेट था, ये जो जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉस्फेट था, इस मॉस्फेट को मैंने निकाल दिया। अब बोर्ड को मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन करके देखता हूँ कि बोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देख सकते हैं ये जो शार्पनिंग वाला कनेक्ट है ये लगा हुआ है, लगा होने के बावजूद भी आपका बोर्ड एन बराबर घूम रहा है, मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, आपका फैन नहीं घूम रहा था तो अब फैन घूमने लगा। तो दोस्तों आज इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई नई वीडियो
के बारे में कुछ बताना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए।